सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 11। टर्म वन में ये आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट ये टॉपिक में क्या बताया गया है। बेसिकली हमें मार्केटिंग के बारे में इसमें पढ़ना है कि मार्केटिंग कैसे होती है, किस तरह से हम मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो अगर हम मार्केटिंग इन ट्रेडिशनल सेंस देखें, अगर आप देखेंगे पहले के जमाने में कैसे, मतलब बहुत पहले मार्केटिंग कैसे होती थी, अगर आप देखेंगे जो ये मार्केटिंग शब्द लिया गया है, ये लैटिन वर्ड से लिया है मार्केटस, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से देखें तो पहले मार्केटिंग जो है आपकी बहुत पहले जगह हुआ करती थी गुड्स के लिए, बेचने खरीदने के लिए, ठीक है। और आज भी होती है, आज आप देखेंगे देयर इज अ लोकेशन वेयर बायर एंड सेलर्स ऑफ गुड्स असेंबल एंड एक्सचेंज देयर गुड्स। तो मार्केट जो है प्लेस को रिफर किया जाता था पहले, जो है मार्केटिंग, मार्केट एक जगह बोलते थे हम लोग अगर हम ट्रेडिशनल सेंस में देखें तब। क्या आज भी हम उस जगह पे जाके ही सामान खरीदते हैं या घर बैठे बैठे भी खरीद सकते हैं स्टूडेंट्स? घर बैठे बैठे भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही, ऑनलाइन आजकल हम मंगा सकते हैं। लेकिन आप देखो, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले ना घर बैठे बैठे आप गुड्स को मंगा नहीं सकते थे, पहले ऐसा रूल ही नहीं था, पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग ही नहीं होती थी। तो हमें जब भी कोई सामान खरीदना होता था तो हमें जाना पड़ता था, वहां पे बहुत सारे सेलर्स होते थे, फिर वहां बायर्स जाते थे और जाके खरीदते थे सामान। आज भी ऐसे ही होता है इंडिया में, इनफैक्ट अभी भी यही पॉपुलर है। अभी भी आपको बहुत सारा सामान लेना होता है तो आप मार्केट ही जाते हो, लेकिन आजकल थोड़ा चेंजेस आ गए हैं। अब आप घर बैठे बैठे बहुत सारे सामान मंगा सकते हैं, ठीक है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है पहले इतना, तो लोग आजकल प्रिफर करते हैं कि घर से ही सामान मंगा ले। मैंने बताया फ्री इवन एट नाइट ऑल्सो, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock रात को अब लोग डिमांड कर देते हैं और मॉर्निंग में सामान उनको प्लेस हो जाता है, या एक दो दिन के उसमें गैप में आ जाता है सामान, ठीक है। डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ की एरिया है और उसके हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से उसकी डिमांड को पूरा किया जाता है, ठीक है। तो मार्केट अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कंटेक्स्ट में होता है। पहले के जमाने में अगर ट्रेडिशनल भाषा में मैं बोल रहा हूँ तो मार्केट अलग अलग तरीके से होता था। जैसे प्रोडक्ट मार्केट में आप देखेंगे सामान मिलता था, जैसे अलग अलग सामान की अलग अलग मार्केट होती थी, जैसे पेपर मार्केट, मसालों की मार्केट, सब्जी की मार्केट, शेयर मार्केट। ऐसे ही आप देखोगे जहां जहां जिस प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट का नाम। क्या इंडिया में भी अभी भी दिल्ली में प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट है स्टूडेंट्स? दिल्ली में है। जैसे अब जैसे कपड़ों की मार्केट सबसे पॉपुलर कौन सी है दिल्ली में, ड्रेस वगैरह अगर खरीदना हो? अच्छे, चांदनी चौक। चांदनी चौक, तो ये कुछ जैसे नाम होते हैं ना, जैसे आपको भी कई बार जैसे मान लो फैमिली मेंबर्स में किसी का, किसी की मैरिज होनी है या आपके रिलेटिव्स का किसी का है इस तरह से, तो आप देखते होगे वो लोग जाते हैं चांदनी चौक और वहां से सामान लेके आते हैं अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि वहां पे ये सामान सब सस्ते मिल जाते हैं और एक बार में ही सारे सामान मिल जाएंगे, जैसा आप चाहोगे सामान, पूरा का पूरा सामान आपको वहीं पे मिल जाएगा ड्रेस से रिलेटेड। इसी तरह से हर एक चीज का मार्केट है। फोन का सबसे पॉपुलर मार्केट कौन सा है दिल्ली में, मोबाइल फोन? करोल बाग। करोल बाग है, मोबाइल गफार मार्केट तो नहीं है मोबाइल फोन के लिए? यस सर, मैं तो गफा मार्केट है ना, जहां तक मुझे लग रहा है यही है। और भी है मतलब पॉपुलर मार्केट्स हैं, तो नाम सही। अब जैसे अगर आपको कंप्यूटर वगैरह खरीदना है, कंप्यूटर को असेंबल वगैरह कराना है, तो कौन सी मार्केट है दिल्ली में? नेहरू प्लेस। नेहरू पैलेस। तो ये अलग अलग मार्केट होती है। तो मार्केटिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अगर हम ट्रेडिशनल भाषा में बोले तो प्रोडक्ट के अलग अलग मार्केट है और सबके अलग अलग मार्केट होते हैं। आप कहीं भी चले जाएंगे इसी तरह से होता है। एक होती है ज्योग्राफिकल मार्केट। ज्योग्राफिकल मार्केट में ना ज्योग्राफी एरिया के हिसाब से होती है, जैसे लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से बांटी गई है, समझे। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट के बेसिस पे है, ज्योग्राफिकल मार्केट एरिया के बेसिस पे है। जैसे एक लोकल मार्केट होती है, एक नेशनल मार्केट होती है, एक इंटरनेशनल मार्केट होती है, तो इस तरह की मार्केट होती है। एक होती है बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ बायर्स, किस तरह के खरीदार हैं उसके हिसाब से भी मार्केट होती है। जैसे कंज्यूमर मार्केट होती है, जहां कंज्यूमर्स आके गुड्स को खरीदते हैं, छोटे मोटे जो डे टू डे यूज के गुड्स होते हैं। एक इंडस्ट्रियल मार्केट होती है जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग मार्केट है। इसी तरह से बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स,
अब क्वांटिटी जैसे होलसेल और रिटेल मार्केट भी आपने देखा होगा, होलसेल मार्केट में क्या होता है, बहुत सारा तादाद में ज्यादा सामान रखा गया होता है, तो इसको हम होलसेल मार्केट बोलते हैं। इसी तरह से रिटेल मार्केट होती है जहाँ आप छोटे छोटे सामान खरीद सकते हो अपने डेली यूज के। तो मार्केट जो है अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मार्केट है, ठीक है। ये तो थे ट्रेडिशनल मार्केट की कहानी, मतलब पहले ऐसे होता था, लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे ना मॉडर्न सेंस में, तो मार्केट का मतलब ही एकदम बदल गया है। अब क्या हो गया है, अभी मार्केट जो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट पोटेंशियल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आजकल डिमांड के हिसाब से मार्केट बनाई गई है। जैसे मार्केट फॉर कार इज अ बूमिंग मीन्स द एनहांस कलेक्टिव डिमांड फॉर कार। तो अगर मार्केट की कार बूम कर रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो हम ये बोलेंगे कि मार्केट की कार मार्केट जो कार की मार्केट है वो तभी बूम करती है जब उसकी डिमांड एकदम बढ़ जाए, लोग खरीदना चाहें कार, ठीक है। तो मॉडर्न मेथड में आजकल बहुत चेंज हो गया है, ठीक है। पहले क्या होता था, कस्टमर जाता था सामान को खरीदता था और अलग अलग मार्केट हुआ करती थी, आज भी है और हम जाते हैं सामान खरीदते हैं, लेकिन मॉडर्न डे में अब डिमांड के ऊपर ज्यादा देखा गया है कि जैसे जैसे डिमांड होती है उसके हिसाब से हमें सप्लाई करना होता है गुड्स। तो ये सब पढ़ने के बाद देखो अभी हमें दो चीजें समझ में आई, मार्केट क्या है। मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ सामान को खरीदा बेचा जाता है, खरीदार जाते हैं सामान को खरीदते हैं, और मार्केट के ना कई सारे कैटेगरी हैं। जैसे हमने पढ़ा कि मार्केट के अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे कि एक कैटेगरी है प्रोडक्ट मार्केट जहाँ प्रोडक्ट मिलते हैं, कोई भी सामान मिलता है उसके नाम से उस मार्केट का नाम रख दिया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा प्रोडक्ट मार्केट आप देखेंगे, उसके बाद हमने पढ़ा कि ज्योग्राफिकल मार्केट, ज्योग्राफिकल मार्केट ज्योग्राफी के हिसाब से एरिया के हिसाब से बनाई गई है, जैसे लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, इस तरह से रहती है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ये होता है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ बायर्स, बायर्स के हिसाब से मार्केट होती है। फिर इसी तरह से मॉडर्न मार्केट में हमने पढ़ा कि ये यहाँ पे डिमांड सप्लाई के हिसाब से मार्केट बनाई गई है। अब हम आ जाते हैं असली टॉपिक पे, मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आप देखेंगे मार्केटिंग को अगर डिफाइन करना है, तो मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन बिटवीन बायर्स एंड सेलर। मार्केटिंग जो है इसको हम डिफाइन करते हैं एज एन एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांजेक्शन का एक्सचेंज होता है उसी को हम मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर जहां पे भी कोई सामान का एक्सचेंज हो और बायर्स और सेलर्स मौजूद हो उसको हम मार्केटिंग कहेंगे, ठीक है। अगर आप देखें ऑल एक्टिविटीज कनेक्टेड विद ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर कम विद इन द प्रीव्यू ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में वो सब चीजें आती हैं जिसके अंदर सामान का प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर से सामान खत्म होता है और कंज्यूमर तक चला जाता है उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर सामान का अदला बदली हो और सामान जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच जाए उसको हम मार्केटिंग कहेंगे, ठीक है। दे इंक्लूड प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। तो इन सबको हम लोग प्रोडक्शन भी कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी, स्टोरेज भी, ये सब चीजें मार्केटिंग के अंदर आती है। अगर आपको सामान को भेजना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन करना होगा, अगर आपको सामान को बेचना है तो आपको स्टोर करके भी रखना पड़ेगा, आपको उसको एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा, तो ये सब मार्केटिंग के अंदर आती है, ठीक है। तो मार्केटिंग जो है सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं, सेल्स भी आता है, प्रमोशन भी आता है, ये सब चीजें मार्केटिंग में आती हैं, ठीक है। और मार्केटिंग जो है ना बहुत ब्रॉडर टर्म में हम इसको अगर हम देखें तो लोगों की जो जरूरतें होती हैं, कंज्यूमर्स की जो जरूरतें होती हैं, उसको जो भी चीज पूरा कर दे वो मार्केटिंग कहलाता है। तो अगली बार से आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मार्केटिंग, तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि मार्केटिंग इज समथिंग विच इज कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ द कस्टमर कस्टमर्स एंड फाइंडिंग आउट द वेज एंड मीन्स टू सेटिस्फाइंग देम। तो मार्केटिंग कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो लोगों की जरूरतों को पूरा करती हो, नीड्स और वांट्स को पूरा करती है। आपको पता है नीड्स क्या होती है, कोई भी चीज जो हमें जरूरी है, और वांट्स क्या होती है, उस नीड्स में हमें अलग अलग चीजों को पूरा करने के लिए वांट्स बोलते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो जो भी चीज नीड को और वॉन्ट को पूरा कर दे वो मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। अब जैसे आप देखो कोरोना है, तो कोरोना में आप सब घर बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अभी आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, अभी आपको जरूरत होती है एक ऐसा ऐप होना चाहिए या एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके थ्रू आप आसानी से घर बैठे पढ़ सको। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने इस चीज को पूरा कंप्लीट कर दिया,
गूगल ने इसको मतलब अगर आप देखो गूगल जो ऐप है उसमें भी ये हम पढ़ सकते हैं बैठ के। तो यहाँ पे क्या है, ये मार्केटिंग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने एकदम सही टाइम पे देखा कि लोगों को अब बच्चों को पढ़ने की जरूरत है, तो उस तरह से उसने टीम्स ऐप बना दिया जिसमें लोग अपने मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, पढ़ाई हो सकती है, इसमें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकते हो, इसमें ब्लैक बोर्ड दिया हुआ है, व्हाइट बोर्ड, जिसमें आप थोड़ा बहुत लिखना होगा तो थोड़ा बहुत लिख सकते हो, समझा सकते हो, और इसी तरह से आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू सामने वाले को अच्छे से समझा सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है मार्केटिंग के अंदर आती हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों की यही खास बात है, मार्केटिंग का वो बहुत ज्यादा ध्यान देती है और सही समय पे सही प्रोडक्ट को लॉन्च करने पे उनका फोकस होता है। अगर आप सही समय पे सही चीज को प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करोगे तो आप अच्छा मार्केटियर नहीं बन पाओगे, आप अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पाओगे गुड्स को और आप लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए आपकी डिमांड होगी नहीं और फिर आप कमा भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो मार्केटिंग समझ गए, इट इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ द पर्सन एंड फाइंडिंग आउट वेरियस वेज हाउ टू फुलफिल देयर नीड्स। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। देखो डेफिनेशन आप एज इट इज याद कर सकते हो अगर आपको इजी लगती है। मार्केटिंग इज अ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स और यूजर्स। ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन। मुझे लगता है कि आपको पहली वाली डेफिनेशन मीनिंग ज्यादा इजी लगेगी, हमारे बोर्ड एग्जाम में मीनिंग पूछेंगे तो आप मीनिंग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्या लैंग्वेज रहेगी? ये वाली ज्यादा इजी लगेगी आपको, लिख देना कि मार्केटिंग इज समथिंग वेयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ वांट नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स आर फाइंड आउट एंड वेरियस वेज आर फाइंड हाउ टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट, दैट इज नोन एज मार्केटिंग। ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों ने मार्केटिंग को डिफाइन किया है, अगर आपको जो इजी लगे वो लिख सकते हो। फिलिप कोटलर, इन्होंने डिफाइन किया है मार्केटिंग को, कह रहे हैं कि मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। इनके हिसाब से इनका कहना ये है कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है by which individuals and group obtain what they need and want, जिसकी मदद से group of people और individuals दोनों को वो चीजें प्राप्त होती हैं जो उनको चाहिए या जरूरत है through creating, offering and freely exchanging products and services। किसके through? Creating के through, offering के through, exchange of goods and services के through। तो लोगों की जरूरतों को पूरा करना ही marketing। तो ये भी बहुत आसान है definition, आप इसको याद करना है तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा याद? ठीक है, तो कौन बच्चा मुझे मीनिंग बता रहा है मार्केटिंग का अपनी लैंग्वेज में? कैसे भी बता सकते, मीनिंग पूछ रहा हूं, आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो, कौन बच्चा बताएगा? यही अपनी क्लास की प्रॉब्लम है कि इनिशिएटिव नहीं लेते स्टूडेंट्स। बताने को सबको पता है लेकिन बताएगा कोई नहीं, डर के मारे, डर है अंदर। देखिए मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ और आप भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग या व्हाट इज मार्केटिंग, तो आप सबको मिक्स कर दो, लिखो कि मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस वेयर नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल इज फुलफिल्ड by creating and by producing goods as per their needs। काम खत्म हो गई मार्केटिंग। कौन सुना रहा है बोलो? अभी भी कोई नहीं बताएगा, अब इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है बेटा? फिर से बोल रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनो, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस वेयर नीड्स एंड वॉन्ट्स आर fulfilled by the companies as per the needs of the people। ठीक है, तो as simple भाषा में अपनी language में बना के लिख दोगे कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि meaning में आप अपनी language में explain कर सकते हो अलग अलग तरीके से। Overall क्या है कि marketing जो है एक social process है जिसकी में लोगों के needs को और wants को पूरा किया जाता है और इसमें creation किया जाता है, तो creation of goods is done and needs and wants को fulfill किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके बना और सही टाइम पे सही प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फीचर्स। फीचर्स में जो भी आप पढ़ रहे हो सबको मीनिंग में ऐड कर सकते हो, डेफिनेशन में जोड़ सकते हो। देखिए मार्केटिंग की सबसे पहली फीचर क्या है? नीड एंड वांट।
देखो मार्केटिंग की सबसे खास बात क्या है कि ये नीड और वांट दोनों को पूरा करती है। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर नीड क्या होती है वांट क्या होती है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नीड कोई भी चीज जो लोगों को चाहिए हर हालत में, और वांट होती है कि उसमें अपनी कंडीशंस को रख सकते हैं कि भाई जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि नीड होती है खाना, खाना खाना सबकी नीड है, हर किसी को खाना खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। लेकिन वांट में क्या होगा, हर कोई अपने अपने पसंद का खाना खाता है, जैसे किसी को कोई अलग डिश पसंद होती है, किसी को अलग डिश पसंद होती है। तो नीड जो है सबको भोजन करना है, लेकिन वांट जो है सबकी अलग अलग हो सकती है। तो फीचर्स में यही है मार्केटिंग का कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, देखो लिखा हुआ है कि मार्केटिंग प्रोसेस हेल्प्स द पीपल इन गेटिंग व्हाट दे वांट। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस जो लोगों को जो चीज चाहिए उसको देने में मदद करता है। द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज ऑन सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स। तो मार्केटिंग का फोकस यही होता है कि लोगों की नीड्स और वांट्स को पूरा किया जाए, ठीक है, यही था इसमें। अब देखो मार्केटर्स जॉब इज टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कस्टमर्स एंड डेवलप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अकॉर्डिंगली। तो मार्केटर का जॉब यही होता है कि लोगों की नीड को पूरा करे, कंज्यूमर्स की नीड को पूरा करे एंड डेवलप करे प्रोडक्ट जैसे उनको जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? यस सर। दूसरा फीचर होता है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। देखो क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट को ना कंप्लीट ऑफर प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ता, ठीक है। मार्केट ऑफरिंग मीन्स अ कंप्लीट ऑफर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए आप ना लोगों को प्रोडक्ट जब ऑफर करते हो तो आप तरह तरह के प्रोडक्ट आपको बनाने पड़े। जैसे आप ये देखो डाबर लाल रेड, पहले पाउडर फॉर्म में आता था स्टूडेंट्स, याद है आपको, आपने यूज भी किया होगा। आज भी आता है पाउडर वाला डाबर लाल दंत मंजन? यस सर आता है। तो पूरे हाथ में जब हम उसको यूज करते हैं तो पूरा हाथ लाल लाल हो जाता है, और मतलब थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होता है। तो लोगों ने कहा कि भाई कंपनी को बोला यार थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, पूरा हाथ में भद्दा सा लगता है, आप थोड़ा पेस्ट टाइप में निकालो। तो इन्होंने क्या करा, क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग, इन्होंने पेस्ट में निकाल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आप देखोगे अब थोड़ा सा अब हाथ गंदे नहीं होते, आसानी से हम ब्रश पे इसको यूज कर सकते हैं। तो मार्केट ऑफरिंग यही होता है कि प्रोडक्ट में कुछ भी ऐसा करो जिससे कि लोगों की डिमांड और बढ़ जाए। अच्छा, अलग अलग साइज, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग टेस्ट के हिसाब से आप प्रोडक्ट को निकालो। तो आप देखते होंगे आप जब टूथपेस्ट हम यूज करते हैं तो अलग अलग टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, हर तरह के टूथपेस्ट आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, जिसके अंदर आप अगर आप पेप्सोडेंट भी कर रहे हैं तो पेप्सोडेंट में भी अलग अलग मार्केट ऑफरिंग है कि नहीं है। देखो दिखाता हूँ, पेप्सोडेंट में भी अलग अलग वैरायटी आती है कि नहीं आती है? यस सर। अब देखो आप इसमें पेप्सोडेंट के भी ना अलग अलग अगर मैं इमेजेस दिखा सकूं, देखिए यहाँ सबके अलग अलग आपको मिलेंगे इमेजेस, ठीक है, और सब प्रोडक्ट की अलग अलग क्वालिटी होगी। तो कोई किसी चीज के लिए पॉपुलर होगा, ठीक है, कोई अलग चीज के लिए होगा। तो इसमें भी आप देखोगे अलग अलग साइजेस हैं, अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है, और अलग अलग टेस्ट के हिसाब से निकाला जाता है। तो आप देखेंगे इसमें वैरायटी है, क्यों है, हर्बल वाला भी मिल जाएगा आपको, ये देखो हर्बल वाला भी मिल जाएगा पेप्सोडेंट। यूज करता है कोई बच्चा हर्बल वाला? क्योंकि कई कस्टमर ऐसे भी होंगे ना, बोलेंगे भाई हमें तो हर्बल वाला चाहिए, ठीक है, पेप्सोडेंट कहता है ठीक है हर्बल वाला चाहिए, ये लो हर्बल वाला पकड़ लो। तो अलग अलग वैरायटी आपको, जैसे जैसे गम्स को हेल्दी करने के लिए ना, आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको ये भी मिल जाएगा ओरल वाला। तो अलग अलग आपको अलग अलग वैरायटी में मिलेगा। क्यों ऐसा करते हैं, इसी को हम बोलते हैं मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि कस्टमर की अलग अलग तरीके से डिमांड होती है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट ऑफरिंग किया जाए, ठीक है, कंप्लीट ऑफर ऑफ अ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट से नाराज अगर हो तो आपको कुछ नया प्रोडक्ट ला के दे देगा वो, फिर आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी, ठीक है। ये एक मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे लोग देखो टीवी से नाराज होते थे पहले, इतना भारी भरकम टीवी कौन रखेगा, तो आजकल देखो मार्केट ऑफरिंग ऐसी ऐसी आ गई है, आपको हल्की टीवी भी मिल जाएंगी, हर वैरायटी का सामान मिल जाएगा, मोबाइल फोन्स अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे, कोई ऐसे मोबाइल फोन भी मिल जाएंगे जो आप पानी में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बारिश में घूम सकते हो उनको लेके, कई ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही मजबूत भी होते हैं, टूटते नहीं है। तो हर तरह की ऑफरिंग आपको प्रोवाइड कराते, यही मार्केटिंग की खूबी है। तो इसमें क्या लिखोगे,
इसमें लिखोगे कि वन ऑफ द फीचर ऑफ मार्केटिंग इज इट क्रिएट्स अ मार्केट ऑफरिंग वेयर इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इन वेरियस साइजेस एंड इन वेरियस क्वालिटी एंड वेरियस टेस्ट एंड प्राइस एंड अवेलेबिलिटी. तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाए. ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं सबको स्टूडेंट्स? यस. तीसरा होता है कस्टमर वैल्यू. देखिए कोई भी प्रोडक्ट ना, मार्केटिंग की एक खास बात क्या होती है कि ये क्या करता है, प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीजें यूज करता है जिससे कि कस्टमर के लिए वो बहुत कीमती हो जाए सामान. ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिला देता है कि कस्टमर के लिए वो वैल्यूएबल हो जाता है, मतलब कस्टमर उसको बहुत पसंद करने लगता है. ठीक है, जैसे मान लो टूथपेस्ट के अंदर आपने फ्रेशनर डाल दिया तो कस्टमर कोलगेट करने के बाद उसमें उसके दांतों में खुशबू आती रहती है. ठीक है, अगर उसने सुबह कोलगेट कर लिया तो दिन भर खुशबू आएगी, फ्रेशनेस आएगी, कहीं भी किसी के सामने बात करेगा तो खुशबू फैल जाएगी पूरे रूम में. ऐसे आते हैं? यस सर. यस. आता है ना एड, उसका कौन सा एड है जिसको दांतों में आते ही खुशबू फैल जाती है चारों तरफ? फिर क्लोजअप. क्लोजअप. हाँ, क्लोजअप. क्लोजअप ने बहुत मार्केटिंग की है कॉलेज वाले बच्चों के बीच में. ठीक है, दिखाते हैं एड भाई, एक बार दांत दिखा दिया तो फिर कॉलेज में आता है ना वो एड, भागे चले आते हैं लोग. तो इस तरह के एड भी आते हैं. तो कस्टमर वैल्यू मतलब कुछ कस्टमर के लिए कुछ ऐसा करो जिससे कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट का डिमांड करे और उसको यूज करे. ठीक है, तो यंग यूथ में बहुत पॉपुलर था क्लोजअप. अब उसका रीजन आप समझ ही सकते हो, एड ही इस तरह से आता था, बच्चों को लगता है कि दांत दिखा देंगे और खुशबू फैलेगी तो भीड़ लग जाएगी उनके आसपास. ठीक है, बट ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं है. यह होता है? नो सर. नो. कस्टमर वैल्यू. तो माउथ फ्रेशनर देखो क्या होता है ना, प्रोडक्ट कुछ ऐसी चीजें यूज करता है, पहले ना प्रोडक्ट पता लगाता है आसपास एरिया में कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरह के लोग डिमांड कर रहे हैं, फिर उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ इस तरह की अगर पॉपुलैरिटी, अगर इस प्रोडक्ट में हम ऐसा चीज जोड़ देंगे तो हो सकता है कि इस तरह के कस्टमर हमारे एकदम फॉलो करने लगे हमारे प्रोडक्ट. और ऐसा सच में ही होता है. तो वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर के नीड्स और वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं. ठीक है, और उससे क्या होता है कि कस्टमर वाकई में उनका प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देता है. तो कस्टमर वैल्यू वन ऑफ द मार्केटिंग की एक खास फीचर ये है कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीजें रखनी चाहिए जिससे कि कस्टमर की उससे वैल्यू बढ़ जाए और कस्टमर उसको खरीदना शुरू करे. आप देखो कि जितने भी ब्रांडेड कार हैं उसमें कुछ ना कुछ खास बात होती है जो जिसके वजह से कस्टमर उसको खरीदता है. ऐसे ही है ना? यस सर. ठीक है, अब जैसे आप देखो रोल्स रॉयस कार, तो उसकी खास बात क्या है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर आजकल ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना सेंसर्स आते हैं, तो नीचे एक गियर होता है वो क्या करता है सीधा पंप करके ना कार को थोड़ी साइज उसकी ऊंचा कर देगा. जैसे ही देखेगा एक्सीडेंट हो रहा है तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप कार की हाइट को थोड़ा सा ऊपर कर देगा. तो उससे क्या होगा, कस्टमर बचने के चांसेस ज्यादा होंगे. कस्टमर अगर किसी ने साइड से आके और टक्कर मारी तो ऑटोमेटिक कार जब थोड़े से डिस्टेंस उसकी होती है टक्कर लगने से जस्ट पहले, तो वो क्या करते हैं, एक टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से कार की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है, ऊंची हो जाती है, तो उससे कस्टमर के बचने के चांस बढ़ जाते हैं. समझे, जैसे देखा होगा ना आपने बसेस में जल्दी मरते नहीं है, जितनी कार साइज ऊंची रहेगी तो कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट कम आएगा तो चोट लगने का. तो ये सब बनाया जाता है कस्टमर के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कुछ वैल्यूएबल चीजों को जोड़ दिया जाता है जिससे कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदे. अब जैसे कोई आईफोन यूज कर रहा है तो आईफोन का अपना अलग, किस पे कौन से प्रोसेसर पे रन करता है आईफोन? सर आईओएस. आईओएस. तो आईओएस में थोड़ी सुविधा ज्यादा है, आप देखोगे उसको हैक नहीं कर पाएगा कोई, और उसके अंदर जो भी आप यूज करोगे ना थोड़ा आप सेफ्टी ज्यादा होती है, चोरी होने का डर कम होता है, उसमें सिक्योरिटी ज्यादा दी गई होती है एज कम्पेयर टू अदर्स. तो ये कुछ खास चीजें होती हैं जिसकी वजह से कस्टमर अपने प्रोडक्ट को लाइक या डिसलाइक करता है. तो वही कोशिश करा जाता है कस्टमर के अंदर प्रोडक्ट के अंदर कुछ वैल्यूएबल चीज जोड़ दी जाती है. जैसे फोन है, अब देखो फोन के अंदर कस्टमर वैल्यू बढ़ा दी फोन ने, क्या किया इसने फोन ने, अब हम इसको कैलकुलेटर में भी यूज करते हैं. कई बच्चे आप देखोगे अकाउंट्स आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन, कई बार कैलकुलेशन बहुत टफ होती है, सीधा फोन निकाल के कैलकुलेटर यूज कर लेते हो. तो कस्टमर वैल्यू आपकी बढ़ा दी. आपको गाना सुनना है तो आपको रेडियो ऑडियो चलाने की जरूरत नहीं है, फोन में ही सुन सकते हो. वीडियोस देखनी है, फोन में देख सकते हो.
क्लास अटेंड करनी है फोन में अटेंड कर सकते, तो ये सारी सुविधाएं आपको कस्टमर मतलब प्रोडक्ट में मिल रही है, इसीलिए आप ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो मार्केटिंग में यही है, कस्टमर वैल्यू को बढ़ा देता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है एक्सचेंज मैकेनिज्म। देखो एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो है अपने प्रोडक्ट को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो मार्केटिंग की खास बात यही होती है कि एक्सचेंज मैकेनिज्म का होना जरूरी है। मार्केटिंग तभी मानी जाएगी जब अदला बदली हो, जैसे मैंने किसी को सामान दिया, सामने वाले ने बदले में मेरे को पैसे दिए, तो तभी जाके मार्केटिंग कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह से सर्विसेज में होता है, जैसे आप देखो सर्विसेज में क्या होता है कि हम लोग जैसे फोन का रिचार्ज कराते हैं तो हम उसकी सर्विस को इस्तेमाल करते हैं, हमें उसने सर्विसेज दी है, हम अल्टीमेटली सर्विसेज को यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने उसके बदले पैसा दिया। और अगर आप पोस्टपेड कस्टमर हो तो आप जो भी सर्विसेज यूज करोगे इसके बदले आपको पैसा देना पड़ेगा। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म का होना जरूरी है तभी जाके मार्केटिंग कहलाएगी। तो मार्केटिंग की खास फीचर ये है कि इसके अंदर आप देखेंगे हमेशा एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है, अदला बदली होती है। अगर प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट में अदला बदली होगी, और अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज के बदले भी हमें पेमेंट करना पड़ता है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अब देखो एक्सचेंज मैकेनिज्म के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, तभी माना जाता है कि एक्सचेंज हुआ है। पहला, दो पार्टी का होना जरूरी है तभी जाके एक्सचेंज मैकेनिज्म माना जाएगा, एक सेलर और एक बायर। नंबर टू, ऑफरिंग समथिंग, सामने वाला पर्सन दूसरे को ऑफर करे और दूसरा वाला उसको एक्सेप्ट करे तभी जाके माना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी को थोप दोगे तो थोड़ी ना लेगा वो। तो ऑफरिंग समथिंग, ऑफरिंग का होना जरूरी है। फिर है एबिलिटी टू कम्युनिकेट, हर एक पार्टी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए तभी जाके हम मार्केटिंग मानेंगे, क्योंकि तभी जाके एक्सचेंज मैकेनिज्म माना जाएगा। जैसे आप कोई सामान ऑनलाइन खरीदते हो तो आप भी तो एक्सचेंज कर सकते हो अपने व्यू, जैसे आप डिमांड करते हो तो वहां से रिप्लाई आता है कि आप ऑर्डर प्लेस कर दिया गया और आपका सामान दो दिन या तीन दिन में घर पहुंच जाएगा। तो ऐसा होना बहुत जरूरी है तभी जाके एक्सचेंज मैकेनिज्म माना जाएगा। और फ्रीडम, हर एक पार्टी के पास फ्रीडम है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि आपने ऑफर कर दिया और जबरदस्ती थोपोगे। जब आप ऑफर करोगे तो सामने वाली पार्टी जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी मार्केटिंग नहीं माना जाएगा। और वॉलंटरी, हमेशा याद रखना है कि एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन वॉलंटरी होता है, थोपा नहीं जा सकता। अगर ये सारे कंडीशन सब फुलफिल हो रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस हुई है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? Yes, तो फीचर्स ऑफ मार्केटिंग क्या है? चार फीचर्स हमने पढ़े, मार्केटिंग के चार फीचर्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मार्केटिंग क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा कि पहले मार्केट हुआ करती थी ट्रेडिशनल जमाने में, जहाँ पे लोग आते थे जाते थे सामान खरीदते थे, और प्रोडक्ट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से मार्केट हुआ करती थी। और हमने उनको डिटेल में समझा भी कि जैसे प्रोडक्ट के हिसाब से हर एक एरिया में अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट होती है, वहां आपको जाना होता है सामान खरीदना होता है। अभी आप अगर जोधपुर कभी जाएंगे या कई एरिया में, पता है आपको सामान कैसे मिलता है, ये सामान के हिसाब से ही आप गुड्स खरीदोगे। जैसे जोधपुर में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जोधपुर में सामान अगर आपको बुक खरीदना है तो उसकी एक अलग से मार्केट होती है, वहां जाओगे तभी बुक्स मिलेगी। ठीक है, आपका तो मुझे नहीं पता लेकिन पहले जब मैं जोधपुर में था तो ऐसे ही होता था। तो अगर आपको बुक लेना है ना तो वहीं पे जाना पड़ेगा उस मार्केट में, तो आपको बहुत सारी बुक्स की दुकानें मिलेंगी, वहीं मिलेगा। इसी तरह से हर एक चीज की एरिया बंटी हुई थी। अब वो अच्छा भी चीज है, उससे क्या होता है कस्टमर जब जाता है तो उसको बहुत सारा सामान मिल जाता है और उसको वैरायटी भी मिल जाती है, वहां चुनने में भी आसानी होती है उसको। फिर एक क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, तो एक मिनट, मैं वहां पे बता रहा था आपको कि प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट्स होती है। फिर हम चले गए वहां पे, एक हमने ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से पढ़ा कि एरिया के हिसाब से सामान मिलता है। तो आपने देखा होगा कई एरिया बहुत पॉपुलर होती है, जहां वहां पे आपको जाओगे तो सामान बहुत ज्यादा तादाद में मिलेगा, ये भी एक मार्केटिंग की खास बात है। जैसे कुछ ये कुछ सामान ऐसे होते हैं जहां पर्टिकुलर लोग वहां पसंद करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो साउथ साइड में जाओगे तो वहां पे विमेंस जो है ज्यादातर साड़ी यूज करती है, तो साड़ी की मार्केट वहां पे ज्यादा आपको मिलेंगी, तो वहां आपको ज्यादा मिलेंगी। लेकिन कई एरिया ऐसी होती है जहां साड़ी पहनती नहीं है, जैसे पंजाब है नहीं पहनती, तो वहां पे आपको मार्केट जल्दी नहीं मिलेगी। तो एरिया वाइज भी, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी मार्केट बनाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से आपको अलग अलग एरिया के हिसाब से मार्केट मिलेगी। अब हमने पढ़ा था मार्केटिंग, मार्केटिंग एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसमें लोगों की नीड्स, वांट्स, है ना,
और कस्टमर के वैल्यू के हिसाब से प्रोडक्ट प्रोवाइड करा जाता है। इसमें एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है और लोगों की नीड्स और वांट्स को पूरा किया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सारे फीचर को उसी में जोड़ के लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि लिख सकते हो कि मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस वेयर नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल आर फुलफिल्ड बाय क्रिएटिंग अ वेरियस मार्केट ऑफरिंग एंड समथिंग कस्टमर वैल्यू इज एडेड टू द प्रोडक्ट सो दैट कस्टमर कैन फील गुड फॉर हिज प्रोडक्ट एंड देयर इज ऑलवेज एन एक्सचेंज मैकेनिज्म इन द मार्केटिंग। तो अब आपने नोटिस किया मैंने सारे फीचर्स को ऐड करके और मार्केटिंग की मीनिंग बता दी। तो इसी तरह से आप इसको हेल्प ले सकते हो। अगर आपने सारे फीचर्स याद किए हैं तो सबको ऐड कर करके एक बढ़िया सा मीनिंग बना सकते हो और उसी से आप लिख भी सकते हो अपने आंसर्स। अब हम आ जाते हैं फीचर्स पे। हमने चार फीचर्स पढ़े आज। पहली फीचर हमने पढ़ी नीड और वॉन्ट। हमने पढ़ा कि मार्केटिंग के अंदर सबसे खास बात क्या होती है, नीड और वॉन्ट को पूरा करने का काम करता है मार्केटिंग। दूसरा हमने पढ़ा था क्रिएटिंग मार्केट ऑफ हर एक प्रोडक्ट, हर एक मार्केटिंग वही होती है जिसके अंदर मार्केट ऑफरिंग को क्रिएट किया जाए। अगर आप कोई प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हो तो उसमें अलग अलग वैरायटी दे दो, अलग साइज रखो, अलग शेप रखो, इससे कस्टमर सामान को खरीदता है, ठीक है। और ये फिर आता है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू में ये होता है कि आप देखो कि कस्टमर के लिए कौन सी चीज वैल्यूएबल है और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करो। तो अगर आप कस्टमर की वैल्यू को ध्यान में रख के प्रोडक्ट को बनाओगे तो कस्टमर उसको ज्यादा से ज्यादा सामान को खरीदेगा और उसको पसंद करेगा। और लास्ट में था एक्सचेंज मैकेनिज्म। हमने पढ़ा कि एक्सचेंज मैकेनिज्म का होना जरूरी है मार्केटिंग के लिए और एक्सचेंज मैकेनिज्म में ये सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए। दो पार्टी का होना जरूरी है, ऑफरिंग समथिंग होना जरूरी है, अबिलिटी टू कम्युनिकेट होना जरूरी है, फ्रीडम होना चाहिए चुनने में और वॉलंटरी होना चाहिए कि कौन सा हमें लेना है कौन सा नहीं लेना। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी बच्चे को यहाँ तक कहीं भी कन्फ्यूजन है तो एक बार पूछे मेरे से। है किसी बच्चे को कंफ्यूजन, किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो बताइए। नो सर। तो सबको मैं समझता हूँ मार्केटिंग समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे ना मार्केटिंग क्या है तो बोलो कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें लोगों की नीड्स और वांट्स को पूरा किया जाता है और ये मार्केट क्रिएट करती है मार्केट ऑफरिंग को और कस्टमर के लिए कोई ना कोई वैल्यूएबल चीजों को ऐड करती है और इसमें हमेशा एक्सचेंज का मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर सामान का अदला बदली होना जरूरी है, ठीक है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजों को हम मार्केटिंग कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजों को मार्केटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगली क्लास में हम चीजें पढ़ेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम मार्केटिंग कर सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। आप इतना नोट्स बनाइएगा, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा आज। और ये पीडीएफ में जितना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ रोज रोज डेली बेसिस पे इसके नोट्स बनाइए और कोई डाउट आता है तो अगली क्लास में ज्वाइन करते ही आपको सबसे पहले उसको पूछना है।